वेलकम बैक एवरीवन। सो आज एक नया रेसिपी लेके फिर से मैंने आया। तो ये शुरू होने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो ये चैनल के नीचे देखिए, ये वीडियो के नीचे देखिए मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ है प्रेशर कुकिंग, एंड उसके जस्ट राइट हैंड साइड में देखिए एक लाल सब्सक्राइब बटन है, तो उसको दबा दीजिए। एंड उसको दबाने के बाद तीनों ऑप्शंस आएगी, तो पूरा ऊपर जो ऑप्शन है ऑल, वो ऑल ऑप्शंस को आप क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोगों को पूरा सब कुछ मेरा वीडियो का अपडेट मिले। सो आज पुडिंग के लिए क्या लगेगा, तो ये इसके लिए ये मैंने तैयार करके रखा है, तो मैं बोल रहा हूँ ये क्या लगेगा। सो मैंने 1 लीटर दूध लिया है। सो वो दूध को मैंने उबलते हुए, मैं वो दूध को पूरा कम करके, 1 लीटर से कम करके मैंने उबाला, उस दूध को कम करके मैंने इसको 600 ml किया। उसके बाद उसमें स्वाद अनुसार चीनी डाला। लगभग 200 ग्राम तो चीनी लगेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने 200 ग्राम लगभग डाला, 150 से 200 ग्राम। उसके बाद जो ब्रेड है ना, वो ब्रेड को मैं छील छील के इधर दे दिया। तो इसमें मैंने तीनों ब्रेड दिया, तीन ब्रेड, मीडियम साइज़ का जो ब्रेड है, ब्रेड स्लाइस है जो, वो स्लाइस, तीनों स्लाइस मैंने इधर छील छील के दिया। देखे मैंने इसको एक डाव बनाया, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं थोड़ा सा वैनिला एसेंस भी डालूंगा, क्योंकि इसमें एग है, अंडा रहेगा, तो अंडा का जो ये एक निकलता है, एक वास निकलता है, वो वास ताकि ना आए खाने में, तो इसके लिए थोड़ा सा वैनिला एसेंस भी मैं डाल दूंगा। एंड मैं इसमें 4 अंडा डाल दूंगा, चारों अंडा डाल के पूरा मिक्स कर लूँगा, चीनी भी टेस्ट कर लूँगा, एंड उसके बाद इसको मैं प्रेशर कुक करूँगा। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। सो देखिए मैंने ये वैनिला एसेंस भी डाल दिया, एंड ये चारों टीम अंडा जो है, अंडा मैंने इसमें मिला दिया। अभी मैं इसको बहुत रिगोरसली मिक्स कर लूँगा, एंड इसका जो चीनी जो मीठा है, वो मीठा भी मैंने टेस्ट चेंज चेक कर लूँगा। अगर ज़रूरत है तो मैं थोड़ा सा चीनी भी डाल दूँगा, एंड आप लोगों का टेस्ट अनुसार ये चीनी का हिसाब कर लीजिएगा। देखिए मैं मिक्स कर रहा हूँ, तो मैं मिक्स करने के बाद इसको प्रेशर कुक करूँगा, तो मैं आ रहा हूँ। देखिए मेरा ये पूरा मिक्स हो गया, पूरा सही ढंग से मिक्स हो गया, मैंने प्रॉपरली मिक्स कर दिया। एंड ये मैं अब क्या करूँगा, मैं इसका ढक्कन लगा दूँगा। देखिए मैं इस जो पात्र है, इस पात्र में मैंने दूध को उबाला है, एंड इस पात्र में ही मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया है। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस पात्र को चेंज भी कर सकते हैं, कोई एक नया पात्र लेके उसमें घी लगा के ये जो मिक्स है ये डाल के आप लोग ढक्कन देके प्रेशर कुक कर सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है, घर पे खाऊँगा, इतना डेकोरेशन का भी कुछ नहीं है। तो मैं इसमें एक ढक्कन, ये इसका ही सेट ढक्कन है, मैं ये ढक्कन ऐसे ढक के रख रहा हूँ, और इसको मैं अभी प्रेशर कुकर में डालूँगा। सो देखिए मैंने ये प्रेशर कुकर लिया, एंड प्रेशर कुकर में मैंने पानी डाला। ये जो कप है, ये कप का 1.5 कप पानी, तो मैंने 1 कप डाल दिया, एंड ये 1/2 कप पानी डाल दिया। एंड ये जो ग्रीट है, ये ग्रीट को मैं इधर बिछा रहा हूँ। ये ग्रीट का बिछाने का कारण है, अगर आप पानी के ऊपर डायरेक्ट रखेंगे ना, तो आपका जो वो जो जो पुडिंग का जो बॉक्स है, वो बॉक्स में पानी अंदर में घुस जा सकता है, तो इसीलिए ये सेपरेटर को डालना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने इसको डाल दिया, एंड मैंने अभी ये जो पात्र है, मैंने ये पात्र को इधर ऐसे डाल दूंगा। देखिए ये पात्र मेरा सेट है, बस मैं इसको इधर अभी ये डाल दूंगा। अभी मैं कुकर बंद कर रहा हूँ। सो आप लोग देखिए मैं कुकर को ये गैस पे बिठा दिया पूरा हाई फ्लेम में, एंड मैं वेट करूँगा। ये कुकर के अंदर मेरा सब कुछ है, आप लोग तो देखे मैंने कैसे इसको सेटिंग किया। तो मैं अभी ये हाई फ्लेम में मैं 3 व्हिसल डालूँगा, 3 व्हिसल डाल के मैं गैस को पूरा कम कर दूँगा, पूरा स्लो कर दूँगा, एंड स्लो करके मैं 15 मिनट रखूँगा, 15 मिनट्स मैं रखूँगा। उसके बाद मैं पूरा गैस बंद कर दूँगा, एंड फुल प्रेशर चले जाने तक वेट करूँगा। उसके बाद प्रेशर निकल जाएगा, मैं पुडिंग को निकल दूँगा, एंड मेरा पुडिंग कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हुआ है या नहीं, इसको देखने के लिए मैं क्या करूँगा, पुडिंग के अंदर एक चम्मच पीछे से मैं घुसा दूँगा, पीछे से मैंने पुडिंग के अंदर दे दूँगा। अगर उसके बाद मैं अगर देखूँगा, अगर चम्मच में कुछ लगा हुआ है,
चम्मच का हैंडल में, तो मुझे पता चलेगा ये पुडिंग अभी तक नहीं बना है, तो मैं फिर से प्रेशर कुक करके 2-3 व्हिसल डाल दूंगा, तो उसमें हो जाएगा। अगर चम्मच पूरा क्लीन निकलता है पुडिंग से अंदर, सो तब मुझे समझ में आएगा ये पुडिंग बन गया है, तो तब मैं ये इसको ठंड करके मैं साफ़ करूँगा। आप लोग फ्रिज में भी रख के साफ़ कर सकते हैं एंड स्टोर भी कर सकते हैं 3-4 दिनों के लिए, नो प्रॉब्लम। सो आई एम वेटिंग फॉर द फर्स्ट 3 व्हिसल्स टू कम। फर्स्ट व्हिसल इज कमिंग। सेकेंड व्हिसल इज कमिंग। थर्ड व्हिसल इज कमिंग। देखिए मेरा तीनों व्हिसल्स आ गया है, तो मैं अभी गैस को पूरा धीमा कर रहा हूँ, पूरा कम कर रहा हूँ स्लो, एंड मैं 15 से 20 मिनट तक वेट करूँगा। बेहतर है आप लोग 20 मिनट ही वेट कर दीजिए, क्योंकि इसमें पुडिंग पूरा पक जाएगा, तो ये झमेला नहीं रहेगा ये हाफ पका हुआ है या ऐसा। सो आप 20 मिनट वेट कीजिए पूरा गैस कम करके, उसके बाद आप लोग गैस बंद कर दीजिए एंड पूरा कुकर को ठंड कर लीजिए ताकि पूरा प्रेशर निकल जाए। उसके बाद कुकर को खोलिए, मैं कुकर खोल के आप लोगों को दिखाऊंगा। सो ये देखिए मैंने इस पुडिंग को प्रेशर कुकर से निकला थोड़ा सा प्रेशर निकल जाने के बाद, एंड ये देखिए कितना सुंदर बने हैं। तो ये देखिए मैंने ये चम्मच का पीछे ऐसे मैंने दे के चेक कर रहा हूँ, देखिए पूरा क्लियर है, दैट मीन्स ये पुडिंग पूरा तैयार है। सो अभी ये आप लोग कट के सर्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रेसिपी हाउ पुडिंग कैन बी प्रिपेयर्ड। सो आप लोग ये प्लीज़ फॉलो कीजिए एंड मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।